Good afternoon, all of you. Today we are starting a new topic, that is a various form of the business ownership. This is a topic from your unit 5th. So now let's discuss what's the various form of the ownership. So now we start in a business. आपको ये जब business enterprise होती है, जब आप कोई business start करते हो, there are the different type of business ownership. आपके पास बहुत सारे type की क्या होती है, business ownership होती है. But that you will need to know before you can determine how you want to a business structure for your business, how you want to structure your business. Okay, so the flow you are a choice when it comes to a running your business. आप जब कोई business run कर रहे हो, आप कोई business जब start कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आप किस तरीके की business ownership चाहते हो, आप किस तरीके का business plan कर रहे हो. आपका सबसे पहले आपको देखना, क्योंकि business ownership बहुत type के हैं. जैसे आप देखोगे कि there will be a sole proprietor is also there, the partnership is also there, the limited partnership, limited liable company partnership, and corporation and non-profit corporation and cooperative services is also there. So there is a lots of ownership. आप अपना बिजनेस आप देखोगे कि किस तरीके का आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, किस तरीके की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होने वाले हो. ठीक है, आप जिस तरीके की बिजनेस एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होते हो, आप उसी तरीके की बिजनेस ओनरशिप को आप चूज करते हो. तो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के आपके बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं या टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या क्या होते हैं आपके. राइट, सो नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, द नेचर ऑफ द बिजनेस. ओके, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस की आप किस तरीके की बिजनेस एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व्ड हो, आप किस तरीके की बिजनेस एक्टिविटी में. क्योंकि अगर जब आप जिस तरीके की बिजनेस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होके आपके उसी तरीके की इंटरप्राइज को आप चूज करोगे. ठीक है, आपकी जो भी एक्टिविटीज होगी, जैसे आप देखो, वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन दैट यू हैव टू मेक अ बिजनेस ओनर इज हाउ टू कंपनी शुड बी स्ट्रक्चर्ड. ओके, द नेचर ऑफ बिजनेस इज द टाइप ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस कैन बी अ हॉस्पिटैलिटी और द मैन्युफैक्चरिंग और द ट्रेडिंग एक्सेट्रा. यू स्टार्टिंग अ बिजनेस डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी विच आर डूइंग, विच यू आर डूइंग. ओके, सो नाउ लेट्स सी दैट सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस. बिजनेस रिक्वायर्ड पर्सनल अटेंशन. ओके, इफ यू आर बिजनेस रिक्वायर्ड दैट पर्सनल अटेंशन, आपका बिजनेस चाह रहा है कि आप जो कस्टमर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनसे डायरेक्ट डीलिंग करो. ओके, आप वन टू वन उनसे कस्टमर से डीलिंग करो, तब आप क्या करोगे, तब आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाओगे. ओके, क्योंकि जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाओगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, आप डायरेक्ट डीलिंग करते हो. क्योंकि आज उसमें क्या रहता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में होल सोल आपका एक वही एंटरप्रेन्योर्स ही होता है. सो अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटी ऐसी है जो कि आपका पर्सनल अटेंशन मांग रही है, डायरेक्ट डीलिंग मांग रही है, तो आपको किस पे जाना है, आपको जाना है सोल प्रोप्राइटरशिप में. इफ़ द बिजनेस इन्वॉल्व द सर्विसेज, अगर आपकी आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जिसमें आप जब आप सर्विसेज करते हो, सर्विसेज पास ऑन करते हो, तो आप किस तरीके की बिजनेस स्ट्रक्चर्स में फॉर्म होके आप जाओगे आपके कोऑपरेटिव सेक्टर में. ठीक है, कैपिटल कंसिडरेशन, या कैपिटल कंसिडरेशन से आई थिंक मेरा मतलब है, कैपिटल कंसिडरेशन मीन्स कि आपके मॉनेटरी फंड के रिगार्डिंग है. अभी आप किसी बिजनेस का नेचर होता है कि कम पैसे में यूज़ होना होता है, तो आप क्या करो, अगर लेस मनी इन्वॉल्व होगी किसी भी बिजनेस में, तो आप क्या करो कि सोल प्रोप्राइटरशिप यूज़ करो. अगर आपका जो बिजनेस है वो आपके ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन मांग रहा है या यूज टाइप ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मांग रहा है, तो आप क्या करो, आप कंपनी फॉर्मेशन करो. क्योंकि जब अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, तो कंपनी फॉर्मेशन के थ्रू आप क्या करोगे, आप अपने शेयर्स दे सकते हो, जो कि आउटसाइडर पार्टी से आप क्या करोगे, शेयर्स कलेक्ट कर सकते हो. बट अगर आपका आपका जो कैपिटल कंसिडरेशन है वो आपका बहुत कम है, तो आपको किस तरीके के बिजनेस इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी. ओके, अभी यहाँ आता है डिग्री ऑफ कंट्रोल. अगर हम डिग्री ऑफ कंट्रोल की बात करें, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या कहलाता है, एक तो होता है कि कंप्लीट और इंडिपेंडेंट कंट्रोल होना. आप अगर अपने बिजनेस पे कितना कंट्रोल रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हर चीज़ जो आपके बिजनेस में हो रही है वो आप ही देखो, और उसका होल सोल अथॉरिटी जो हो वो आपकी हो, सो दैट यू हैव टू मूव ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप.
ओके और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई इशू नहीं है आपको कि आपका कंट्रोल थोड़ा कम भी हो जाए या थोड़ा सा लेस भी हो जाए तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप क्या करो फिर, आप किस चीज़ में जाओगे, आप कंपनी में जाओगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे, राइट। लीगल फॉर्मेलिटी अगर आप चाहते हो, अगर लीगल फॉर्मेलिटी आप चाहते हो कि बहुत कम हो, आपको ना किसी पंगे में फंसना पड़े, ना ही आपका ज़्यादा बाहर जाना हो, या ना ही आपको कोई ज़्यादा गवर्नमेंट की लीगल फॉर्मेलिटीज़ में जाना पड़े, सो दैट यू आर गोइंग टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। बट अगर आपको इन सब चीज़ों से कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए तैयार हो, सो यू हैव टू मूव ऑन द कंपनी फॉर्मेशन या लिमिटेड कंपनी फॉर्मेशन। ओके एंड द डिग्री ऑफ रिस्क, अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ रिस्क, सो इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन अ लेस अमाउंट ऑफ रिस्क, अगर आप लेस अमाउंट ऑफ रिस्क में जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप ज्वाइन करोगे। ओके अभी हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे कि जो ये ऑनरशिप्स होती है लाइक अ सोल प्रोप्राइटर, लाइक अ कंपनी इनकॉर्पोरेशन, लाइक आपका जो पार्टनरशिप होती है, जनरल पार्टनरशिप होती है, इनके बेसिक फीचर्स क्या हैं। अभी हम सिंपली पढ़ रहे हैं कि आप किस तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो, सो दैट यू हैव टू चूज ऑन दैट टाइप ऑफ बिजनेस ऑनरशिप। ओके नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट एबिलिटी। अगर हम मैनेजमेंट एबिलिटी की बात करें तो अगर आप अनस्किल्ड पर्सन भी रख लोगे, मतलब एक आधा पर्सन से आपका काम चल जाएगा, तो आप पार्टनरशिप में भी जा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको स्किल्ड लेबर ही चाहिए और आपको बहुत बड़े अमाउंट पे आपका बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा करना है, सो यू हैव टू गो ऑन द कंपनी फॉर्मेशन। ओके द फ्लेक्सिबिलिटी, व्हेन यू हैव टू चूज ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी, यू हैव टू कंट्रोल ओवर द योर ह्यूज अमाउंट ऑफ बिजनेस, सो यू हैव टू मूव ऑन द सोल प्रोप्राइटरशिप। You have to go on the sole proprietorship. Okay, but अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं चाहते हो, आप थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल हो, डिसीजन आप अगर आपका कुछ ले लिया उसको आप स्टेबल रखना चाहते हो, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है अगर एक डिसीजन ले लिया तो कोई बात नहीं, उसको चेंज होना ज़रूरी है या नहीं है, सो यू हैव टू मूव ऑन द कंपनी फॉर्मेशन। अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी में क्या होता है, एक तो टेम्प्रेरी होता है और एक परमानेंट होता है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे हो या आपने सोचा कि एक कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम हमारे पास आया है और हम खाली ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम ही कर दें, तो ये आपका कहलाता है टेम्प्रेरी वर्क। अगर आप टेम्प्रेरी वर्क में जाना चाहते हो सो यू हैव टू चूज ऑन द सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके बट अगर आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो एंटरप्राइज है, ये लॉन्ग रन में काम करे, लॉन्ग रन की अचीवमेंट हो, तो सो यू हैव टू गो ऑन द कंपनी फॉर्मेशन। सो दीज आर द सम बेसिक पॉइंट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। आपकी ये बिजनेस एक्टिविटी जिस तरीके का आपका बिजनेस होगा, जिस तरीके की आपका बिजनेस का नेचर होगा, उस तरीके से ही आप कोई भी पर्टिकुलर कोई बिजनेस आप क्या करोगे, चूज करोगे। ओके सो नाउ वी हैव टू मूव ऑन द वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स। ओके बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस वी कैन से दैट। ओके सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द सोल प्रोप्राइटर। अभी सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर मीन्स अगर हम देखें तो सो दैट द वन मैन कंट्रोल एन इंडिविजुअल कैन मैनेज द एवरीथिंग। ओके हम इसको कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर इज टाइप ऑफ द बिजनेस विच इज द पर्सन टू इन्वेस्ट हिज कैपिटल ऑफ फाइनेंस और हिज बिजनेस एंड पुट हिज स्किल ऑल्सो एंड अर्न सम रिवॉर्ड एंड द रिवॉर्ड कैन बी प्रॉफिट और द लॉस। ओके ही इज द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉर्ड। ओके तो सोल प्रोप्राइटर का क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर आपका होता है कि जो आपका इस तरीके का बंदा, एक इंडिविजुअल बंदा, एक खुद का अकेला बंदा जो खुद का कैपिटल लगाए, मींस कि कैपिटल भी लगाएगा, अपनी क्या करेगा, स्किल भी लगाएगा, इसके बाद अगर उसे कुछ रिवॉर्ड मिलता है या कुछ वो रिवॉर्ड जनरेट करता है, मींस हो सकता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे या हो सकता है कि वो क्या करे आपके लॉसेस में जाए, तो वो जो रिवॉर्ड जनरेट कर रहा है या वो लॉसेस जो बियर कर रहा है उसका वो रिस्पॉन्सिबल खुद ही होगा, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके लिए कोई और लाइबल नहीं होता। तो दैट इज द पर्सन इज द सोल पर्सन, दैट इज द पर्सन ऑफ द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। ओके सो नाउ वी सी दैट द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द सिंपलीएस्ट बिजनेस फॉर्म अंडर विच वन कैन ऑपरेट द बिजनेस। द सोल प्रोप्राइटर इज नॉट अ लीगल एंटिटी। ओके इट इज अ सिंपल रिफर्स टू द नेचर पर्सन
who owns the business and is personally responsible for his debts. क्लियर हुआ अभी आपको कि सोल प्रोपराइटर क्या होता है. सोल प्रोपराइटर मीन्स एक सिंगल बंदा जो सारी चीज़ें खुद से ही ऑपरेट कर रहा है. ठीक है, वो रेगुलेट भी कर रहा है, वो कंट्रोल भी कर रहा है, वो मैनेज भी कर रहा है. इसमें कोई इतना ज़्यादा, अगर आप देखो कि सोल प्रोपराइटर तो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी दैट इज़ द फाउंड ऑफ द इंडिया. ओके, ऑल द बिजनेसेस यू हैव यू सी अराउंड यू, your local grocer is also there, the chemist is also there, that the doctor is also there, are probably sole proprietor. Okay, now we see that the features of the sole proprietor, the features of the sole proprietorship is that the lack of the legal formality. अगर कोई बंदा एक sole proprietor बनना चाहता है तो does not have a so much of a formality. That is the main features of the sole proprietorship. के उसके पास क्या होता है, सिंपल सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, कुछ उस तरीके की नहीं होती कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, कि आपको किसी टाइप में आपको कंपनी फॉर्मेशन के जैसे बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज़ होंगे. तो देर इज़ अ नथिंग अबाउट द लीगल फॉर्मेलिटी, बहुत कम ना के बराबर आपकी क्या होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. सोल प्रोपराइटर डज नॉट हैव अ सेपरेट लॉ टू गवर्न इट, कोई भी आपका कोई इस तरीके का सेपरेट लॉ नहीं बना है. सो देर इज़ अ नॉट मैनी स्पेशल rule and regulation to follow. It does not require the incorporation of the registration of any kind. Okay, right. Now we have to move the next slide. So we see that the liability, since there is a no separation between the owner and the business. Clear ho raha hai? There is a no separation between the owner and the business. The liability of the owner is also unlimited. Okay, unlimited liability is also there. So if the business is unable to meet its their own liability, it will fall upon the proprietor to pay them all of his personal assets like his car, his house, other properties, etc. Means ki unlimited liability means that the in case the business enterprise suffered the many losses. Okay, so the sell person sell his property for the sales or for the business obligation to the outsider parties. Clear है, उसको उसकी खुद की personal property भी sell करनी है outsider parties से, जो उसने क्या किया हुआ है, loan उठाया हुआ है, उसके लिए वो उसकी क्या होती है, liabilities होती है, जो उसे क्योंकि sole proprietor है तो वो सारी liabilities उसको खुद से ही pay करनी है. Clear. रिस्क एंड द प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको अभी इसकी डेफिनेशन में ही बताया कि अगर उसको कुछ रिस्क हो रहा है, अगर वो रिस्क ले रहा है या उसको कुछ प्रॉफिट रिवॉर्ड में कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन, वो खुद ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ये सारी चीज़ें खुद से ही बेयर कर रहा है. द ऑनर इज़ द ओनली रिस्क बियरर इन द सोल प्रोप्राइटरशिप सिंस ही इज़ द ओनली वन फाइनेंशियली इन्वेस्टेड इन द कंपनी. ही मस्ट ऑल्सो बियर ऑल द रिस्क. If the business fail or suffer losses, he will be the one affected. Clear? So these are the features of the sole proprietor. Continuity, हमने जैसे continuity की बात की है, तो just we saw that the if the business and the owner have one identity, so a sole proprietorship is a identity entirely dependent on its owner. The death, retirement, and the bankruptcy is okay, instantly imprisonment etc. will have an effect on the sole proprietorship. In most of the such cases, the proprietorship will decrease to exist and the business will come to an end. ये इसके लिए continuity क्या होती है, अगर हम एक long run की बात करें तो sole proprietorship एक long run में उतना ज़्यादा succeeded नहीं है. ठीक है, अगर लेकिन हम इसे टेम्प्रेरी बात करें, क्योंकि जब तक कोई बंदा जिंदा है तो तब तक वो अपना सोल प्रोप्राइटर है तो वो अपना बिजनेस रन करेगा. बट आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज रिटायरमेंट, व्हाट वाज द नेक्स्ट, आगे क्या होगा. सो इन सच केसेस अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई डिसएडवांटेजेस भी देखें तो एक इस तरीके ये एक उसका डिसएडवांटेजेस भी होता है कि वो लॉन्ग रन में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता. ओके,